हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे अपने चैनल पर आप लोगों का बहुत स्वागत है। आप लोगों से बात किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई व्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो बताइए कैसे हो आप लोग और आप लोगों ने होली किस तरह मनाई, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। वैसे ये व्लॉग मैंने वीकेंड पर बनाया है, तो अभी संडे की मॉर्निंग है और मैं जस्ट अभी नहा धोकर रेडी होकर नीचे किचन में आई हूँ। सुबह ब्लाइंड्स खोलने के बाद जो हल्की हल्की धूप घर में आती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, उनसे काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। वैसे अब तो दिन बड़े होने लगे हैं जिससे मॉर्निंग भी जल्दी हो जाती है। 2-3 दिन पहले ही बच्चों के लिए ये बुक स्टैंड मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, जो कि कल इवनिंग में डिलीवर हो गई थी, जिसे आज मैं आफ्टर लंच आपके साथ अरेंज करूँगी। फिलहाल अभी यहाँ मैं ब्रेकफास्ट के साथ लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये राजमा मैंने कल इवनिंग में ही भिगो दिए थे, जिसे अभी अच्छी तरह धोकर मैं कुकर में बॉईल होने के लिए रख दूंगी। वैसे लंच में आज थोड़ा जल्दी बना लूंगी ताकि हम किचन के कामों से जल्दी फ्री हो जाए और वीकेंड एंजॉय कर सके। राजमा मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और साथ में चाय बनाने के लिए पानी और पीने के लिए पानी भी गर्म होने के लिए स्टोव पे रख दिया है। फिलहाल वायरस की वजह से हमारी पूरी फैमिली गर्म पानी ही पी रही है। आज मैं हमारे लिए एक्स्ट्रा अदरक वाली स्ट्रॉन्ग चाय बना रही हूँ। अदरक, काली मिर्च और इलायची डालकर जो तीखी वाली स्ट्रॉन्ग सी चाय बनती है, आज मेरा बिल्कुल वैसा ही चाय पीने का मन हो रहा है। एक्चुअली ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि कुछ दिनों से मैं कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स रीड कर रही थी, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि ये वायरस 26 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर रह नहीं पाते हैं। इसीलिए उस आर्टिकल के हिसाब से अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पिए और अपने बॉडी में हीट मेंटेन करें तो हम इस वायरस से बच सकते हैं। और इस दौरान अपने हाइजीन पर पूरा ख्याल रखते हुए जिंजर, लेमन और ब्लैक पेपर खाने की भी सलाह दी जा रही है। तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों से ही हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना तो इस वायरस का डर आज हर इंसान में बैठा हुआ है। हमारे यहाँ वर्जीनिया में पिछले 2 दिनों में 3 केस पाए गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ लोगों ने स्टोर से जरूरत के सामानों को होर्ड करना शुरू कर दिया है। इवन लोगों ने घर से निकलना भी कम कर दिया है। हमारी चाय बनकर रेडी है। अयांश को तो ऑलरेडी मैंने दूध पीने के लिए दे दिया है, पर स्मैन ने अभी तक दूध नहीं पी। एक्चुअली मॉर्निंग में दूध पीने से पहले अगर उसे अपने पसंद की चीज़ दिख जाए तो उसे फिर वही खाना होता है, फिर वो उस समय दूध बिल्कुल भी नहीं पीता है। आज भी यही हुआ। आज भी उसे किचन काउंटर पर स्ट्रॉबेरीज दिख गए, तो फिलहाल तो उसने वही खाए है, वरना तो मैं उसे ब्रेकफास्ट के बाद ही बेरीज खिलाने वाली थी। फिलहाल आज मैंने इन्हें अयांश के कहने पर गार्लिक ब्रेड केचप के साथ खाने के लिए दिया है। वैसे ब्रेकफास्ट के बाद किचन और किचन काउंटर क्लीन कर आज मैं तुरंत लंच बनाने की तैयारी भी शुरू कर दूंगी, ताकि दोपहर 12 बजे तक हमारा लंच भी बनकर रेडी हो जाए। मैंने अपनी चाय पी ली है। चाय पीकर मैंने अपना लंच भी बनाना शुरू कर दिया है। आज मैं आपके साथ मेरी राजमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मैं आज आपके साथ अपने सब्जियों के मसाले बनाने का तरीका शेयर कर रही हूँ। सब्जी का मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक बड़े साइज का प्याज लंबे आकार में बारीक काट लिया है, और दो मीडियम साइज के टमाटर को भी नॉर्मल साइज में चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने 6-7 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च को बारीक काट के कद्दूकस कर तैयार कर लिया है। अब हम सब्जी बनाना तैयार करते हैं। राजमा बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में तेज पत्ता, राई, जीरा और हींग का तड़का लगा लिया है। इसके बाद मैंने तड़के में प्याज डाल प्याज को भुनना शुरू कर दिया है। प्याज जब थोड़ा भून जाए आप उसमें हींग भी डाल दें। दाल और बीन्स बनाते समय हींग जरूर डालें, इससे खाना अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है और तड़के में हींग की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। जब तक हम प्याज भून रहे हैं, 1 कप में मैं अपने सूखे मसाले भी तैयार कर रही हूँ। सूखे मसालों में मैंने 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गर्म मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। आप चाहो तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च भी ले सकते हो, बच्चे भी खाने वाले हैं इसलिए मैं राजमा तीखा नहीं बना रही हूँ। प्याज जब थोड़ा भून जाए उसमें कद्दूकस किए हुए लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर उन्हें भी प्याज के साथ भून ले। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह भून जाए तब धीमी आँच पर सारे सूखे मसाले एक साथ प्याज में डाल
2 से 3 मिनट तक भून ले। मसाले अच्छी तरह भून जाने के बाद कटे हुए टमाटर भी अब मसाले में डाल दे। टमाटर डालने के बाद अब टमाटर में 1 चम्मच नमक डाल, मीडियम से स्लो आंच पर मसालों को भून ले। अब इसी तरह मसाले को धीमी आंच पर धीरे धीरे पकने दे, जब तक कि टमाटर अच्छी तरह गल जाए और मसाले में ऊपर तेल दिखाई देने लगे। अब जब तक हमारे मसाले धीरे धीरे पकेंगे, तब तक देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अब स्प्रिंग आने वाली है, धीरे धीरे मौसम भी अच्छा हो रहा है, तो मोस्टली अब बच्चे ज़्यादा बाहर खेलते हैं। इस घर की प्रीवियस ओनर ने घर के चारों ओर बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगाए हैं और गार्डनिंग भी की है। अब बस मेरा काम इन्हें मेंटेन रखना है। जब हम इस घर में आए थे, ठंडी की वजह से मोस्टली प्लांट्स सूख चुके थे, जिसकी वजह से इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। पर जैसे स्प्रिंग आ रही है, काफी सारे नए पौधे अपने आप आ गए हैं फूलों के। इवन जो पौधे सूख गए थे, उनमें भी ताजी पत्तियां दिखाई दे रही है अब। बेटा ऐसे नहीं करते, क्या कर रहे हो? आ जाओ। बच्चे अपने डैडी के साथ बाहर खेल रहे हैं और अब हम अपना मसाला चेक कर लेते हैं। मसाला दिखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पर टमाटर को अभी हम और गलने देंगे। बस इन्हें बीच बीच में चलाते रहे, बिना मिक्सर में मसाला पीसे या किसी भी तरह के ग्रेवी बनाए बिना। इस तरीके से बहुत अच्छी और क्विक सब्जी बनती है। टमाटर गल चुके हैं, अब हम मसाले को 3 से 4 मिनट तक मीडियम आंच पर अच्छी तरह तेल दिखाई देने तक भून लेते हैं। मसाला भून जाने के बाद अब बॉईल किए हुए राजमा मसालों में डाल। राजमा अच्छी तरह चलाकर अब इन्हें स्लो टू मीडियम आंच पर ढककर 10 मिनट तक पकने दें। जब तक हमारे राजमा पक रहे हैं, तब तक यहाँ मैं पराठे बनाने के लिए आटा गूंद कर तैयार कर रही हूँ। दस से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाने के बाद हमारे राजमा बनकर तैयार है। अब इसमें हम लगभग 1 या 2 टेबलस्पून क्रीम डाल देते हैं। क्रीम से राजमा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और क्रीम मसालों के स्वाद को भी बैलेंस कर देता है। क्रीम यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहे तो ना डालें। क्रीम स्टोव बंद करने के बाद ही डालें। हरे धनिया और बटर से गार्निश कर हमारे राजमा बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे कॉमेंट कर ज़रूर बताना। साथ ही लंच या डिनर के साथ इनके डैडी को हरे धनिया की चटनी खाना बहुत ही पसंद है। और जैसा कि आप जानते हो, मेरी सब्जियां ज़्यादा तीखी नहीं होती है, इसीलिए मैं हमेशा तीखी और चटपटी हरे धनिया की चटनी खाने के लिए बनाकर रखती हूँ। चटनी बनाने के लिए यहाँ मैंने हरा धनिया, 1 कटा हुआ टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्च और 1 टीस्पून जीरा लिया है। अगर आपके पास पुदीना हो तो आप पुदीना भी ले सकते हो। अब इस चटनी में मैंने यहाँ स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच चाट मसाला डालकर मिक्सर की हेल्प से हरे धनिया की चटनी पीस कर तैयार कर ली है। इस चटनी का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें ऊपर से नींबू का रस जरूर डालें। ये चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। बच्चों के लिए सब्जी के साथ मैंने एक सिंपल सी अरहर की दाल भी बना ली है और अब मैं यहाँ हमारे लिए पराठे सेक कर तैयार कर रही हूँ। लीजिए, हमारे संडे का लंच बनकर रेडी है। लंच में मैंने राजमा, पराठे, दाल के साथ चटनी और सलाद भी बना लिया है। चावल ऑलरेडी कल रात के लेफ्ट ओवर है, इसलिए राजमा के साथ चावल मैंने नहीं बनाया है। तो बस अब लंच कर मैं घर और किचन को क्लीन कर लूँगी और इसके बाद मुझे बच्चों की कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज करना है, जो मैं काफ़ी दिनों से सही से रखना चाहती थी पर कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि आज हम वो भी काम कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों के सारे कलर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखूँ, क्योंकि जब मैं आयांशु कोई प्रोजेक्ट करवाती हूँ तब मुझे इनके कलर्स ही नहीं मिलते हैं। सारे कलर्स यहाँ वहाँ हमेशा फैले रहते हैं। यह बास्केट मैंने कुछ दिनों पहले ही घर डेकोरेट करने के लिए लाया है, तो मैंने सोचा कि इसी में बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट के सप्लाई ऑर्गेनाइज कर फ्रिज के ऊपर रख दूँ, ताकि बच्चों को जब भी कलर्स की ज़रूरत हो उन्हें सारे कलर्स मिल भी जाए। और ऊपर रखने की वजह से ये बास्केट बच्चों के हाथ में इतनी आसानी से नहीं लगेगी और बच्चे भी कलर्स घर में नहीं फैलाएंगे।
आर्ट एंड क्राफ्ट के सप्लाई तो फाइनली आज मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। अब यहाँ मैं बच्चों के बुक्स भी बुक्स ऑर्गेनाइजर में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, जिसे मैं लिविंग एरिया में ही रख रही हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम लिविंग एरिया में ही स्पेंड करते हैं। तो जब भी बच्चों का बुक रीड करने का मन करेगा, हम इजीली उनके लिए बुक रीड कर सकते हैं। आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक नए व्लॉग के साथ मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।